हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन यूनिट स्टेप फंक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो जब भी यूनिट स्टेप फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, यूजिंग इन यूनिट स्टेप फंक्शन फाइंड दी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट एफ टी इक्वल्स टू 8 व्हेन टी इज लेस देन 2 एंड 6 व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट इज एफ टी इक्वल्स टू 0 व्हेन टी इज लेस देन पाई बाय 3 एंड साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय 3 दैट इज टी ग्रेटर देन पाई बाय 3, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सो पहले पार्ट को आप लिख कैसे सकते हो, तो ये मैंने बताया था आप यूजिंग थ्योरम नंबर 1। हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग दो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसमें आप थ्योरम 1 देख लीजिए। ये थ्योरम 1 से हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, द फंक्शन The function ft can be written in terms of unit step function as, तो कैसे लिख सकते हैं, so ft can be written as equals to, मैंने वहां पर ये बताया था gt और ht, तो हम लोग क्या करते हैं, gt आता है आपका दैट इज 8 प्लस ht माइनस gt दैट इज 6 माइनस 8 इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन एट t इक्वल्स टू 2, सो t माइनस 2, राइट। सो दिस इज द फंक्शन। अब इसको ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म्स में लिख लिया, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 6 माइनस 8 इज माइनस 2, दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन एट टी माइनस 2। अब आप लाप्लास ले लीजिए, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ टी इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 8 इज कॉन्स्टेंट, सो 8 इंटू लाप्लास ऑफ 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस 2, सो दिस इज 8 Laplace of 1 is that is nothing but 1 by s minus 2 Laplace of unit step function u of t minus 2, तो कितना हो जाएगा इसका, this is e to power minus 2s over s, right। और इसको कैसे लिख सकते हैं, this is nothing but 8 minus 2 e to power minus 2s over s, so this is your answer of first part। और इसका यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है वो भी लिख दीजिए, लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस टू टी माइनस ए, जनरल की बात करते हैं तो दिस इज नथिंग बट ई टू पावर माइनस ए एस ओवर एस, जिससे हमने ये लिखा हुआ है, राइट। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके। सो स्टूडेंट, दिस इज योर सेकंड पार्ट, एफ टी इक्वल्स टू 0 व्हेन टी इज लेस देन पाई बाय 3 एंड सेकंड इज साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय 3 व्हेन टी इज ग्रेटर देन पाई बाय 3। सो पहले इसको कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज एफ टी इक्वल्स टू, यहां तो 0 साइन टी माइनस पाई बाय 3, ये आपका कॉमन आ सकता है, सो दिस इज साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय 3 और अंदर क्या बचेगा रिमेन, दिस इज 0 और यहां से 1, सो दिस इज टी लेस देन पाई बाय 3 एंड दिस इज टी ग्रेटर देन पाई बाय 3, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द इनइक्वालिटीज के आप पढ़ेंगे कि सर हमने तो डेफिनेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 3 पढ़ा था, यहाँ ग्रेटर देन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बस ये पता चलता है कि यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 3 का मतलब ये कि पाई बाय 3 पर भी वैल्यू क्या है, डिफाइन है और उससे आगे भी डिफाइन है, राइट। सो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इसको कैसे लिख सकते हैं, सो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय 3 एंड दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज यू ऑफ टी माइनस पाई बाय 3, राइट। दिस इज यू ऑफ टी माइनस है तो ए के प्लेस पर क्या है, दैट इज पाई बाय 3, तो इसको क्या कर लेंगे, अब इसका लाप्लास निकालना है आपको, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ दिस इज साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय 3 इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई बाय 3। सो आपको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, प्रीवियस लेक्चर से आप देखा होगा कि क्या है,
दिस इज द सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एफ ऑफ टी माइनस ए एंड यू ऑफ टी माइनस ए, तो इसका लैपलास क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस पाई एस बाई थ्री ई टू पावर ए एस, ए की वैल्यू कितनी है पाई बाई थ्री, इन टू लैपलास ऑफ दैट इज साइन टी, लैपलास ऑफ एफ टी, एफ टी मतलब साइन टी, ए तो आपका हो गया, सो दिस इज नथिंग बट ई टू पावर माइनस पाई एस बाई थ्री, लैपलास ऑफ साइन टी इज व्हाट, दैट इज वन बाय एस स्क्वायर प्लस वन, सो दिस इज योर आंसर, राइट। और सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या, वो यहां पर दिखा दीजिए, बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और वो क्या है अगर किसी को याद नहीं है तो, इफ लैपलास ऑफ एफ टी इज एफ बार एस देन लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए दैट इज नथिंग बट ई टू पावर माइनस ए एस एफ बार एस, और क्या लिख सकते हैं, और एफ बार एस क्या है, दैट इज नथिंग बट लैपलास ऑफ एफ टी, सो दिस इज ई टू पावर माइनस ए एस लैपलास ऑफ एफ टी, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए, तो उससे हमने ये डायरेक्टली लिख दिया, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर इस पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच।